थर्ड वेव आएगी कि नहीं, इसके ऊपर बहुत चर्चा चल रही है। वेव क्यों कहते हैं हम इसमें, क्योंकि जब हम नंबर ऑफ केसेस का एक ग्राफ बनाते हैं तो उसमें वो एक वेव की तरह दिखता है हमको, इसलिए उसको वेव कहते हैं। पूरे देश में फर्स्ट वेव और सेकंड वेव आके चली गई हैं, सेकंड वेव अब धीरे धीरे करके कम होती जा रही है और हमको शक है कि थर्ड वेव आएगी, कब आएगी, ज़्यादा होगी कि नहीं, बच्चों को संक्रमण होगा कि नहीं और इसके लिए हमको क्या बचाव करना है, उसकी आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो थर्ड वेव आएगी कि नहीं कोई निश्चय नहीं है। थर्ड वेव ना आए इसकी जिम्मेदारी हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है, क्योंकि थर्ड वेव को बचाने के लिए हमारे पास अब तरीके हैं। 1.5 साल से हम इस बीमारी के साथ जूझ रहे हैं, इस बीमारी का क्या रुख है, कैसे फैलती है, किस किस को अटैक करती है, इसके बारे में हमको बहुत कुछ पता है। सबसे पहला वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन ही एक बचाव है और वैक्सीनेशन में मैं आपको बताऊंगा अगर कोवैक्सीन लग रहा है या कोविशील्ड लग रहा है, बाद में और भी वैक्सीन आएंगे जैसे जॉनसन एंड जॉनसन या स्पुटनिक, जो आपको पसंद आए वो आप वैक्सीन लगा सकते हैं, सब वैक्सीन कारगर हैं, वैक्सीन सेफ हैं। सवाल पूछे जाते हैं, मुझे ब्लड प्रेशर की शिकायत है, मुझे किडनी की तकलीफ है, मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, इन लोगों को तो सबसे पहले वैक्सीन लगाना चाहिए, क्योंकि जो डायबिटिक हैं उनको बीमारी पकड़ने से सीरियस रुख अपनाती है। बहुत ही ज़्यादा कम लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, वो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, खासकर अगर आपको पहले कभी वैक्सीन लगाने से एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हुआ हो तब आपको वैक्सीन सोचना चाहिए, डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए और तभी जाके लगाना चाहिए जब डॉक्टर हाँ करे। तो जितनी जल्दी जितने ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएंगे उतना ही हम थर्ड वेव को रोक सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन से ही हमको हर्ड इम्यूनिटी मिलेगी। दूसरी बात यह है कि हम रिस्पॉन्सिबल सोशल बिहेवियर को फॉलो करें, ज़रूरी होने पर ही बाहर जाना है, बाहर जाने पर फेस मास्क पहनना है, हमेशा घर वापस आके हाथों को अच्छी तरह से धोना है और बाहर हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना है, लोगों से दूरी मेंटेन करनी है, इंडोर स्पेसेस पे नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पर संक्रमण फैल सकता है, शादियाँ बारात इस तरह के सोशल फंक्शन जहाँ पर सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकते हैं जहाँ तक हो सके अवॉइड करना है। हम अपने लिए और भी कुछ कर सकते हैं, हम अपनी फिटनेस लेवल को बढ़ा सकते हैं, रेगुलर मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करके हम अगर फिट रहेंगे तो संक्रमण से दूर रहेंगे, हम अपनी डाइट को सुधार सकते हैं, हम अच्छा पौष्टिक हेल्थी फ्रेश फूड खाएंगे, जंक फूड नहीं लेंगे, ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाएंगे, बैलेंस्ड डाइट लेंगे, हमारी इम्यूनिटी बनी रहेगी और हम बीमारी से बच सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ये वायरस ज़्यादातर लंग में अटैक करता है, बॉडी के हर ऑर्गन को तकरीबन ये अटैक कर सकता है, लेकिन प्राइमरी डैमेज ये लंग को करता है। हम अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ाएं, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करें, योग करें जिसमें हम प्राणायाम अनुलोम विलोम और अच्छी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, एरोबिक एक्टिविटी करें, कार्डियो करें ताकि हमारे हार्ट और लंग्स हेल्दी रहें, उससे भी हम सेफ रह सकते हैं और गलती से या कभी अनफॉर्चुनेटली हमको डिजीज़ हो भी, क्योंकि हमारी लंग कैपेसिटी अच्छी है, क्योंकि हम हेल्थी और स्ट्रांग हैं, हमको बीमारी कम तंग करेगी। थर्ड वेव आएगी कि नहीं, 4 हफ्ते में आएगी, 6 हफ्ते में आएगी, अक्टूबर में आएगी, नवंबर में आएगी, ये सब अपने अपने एस्टिमेट बना रहे हैं, सब अपने अपने ग्राफ बना रहे हैं। आप और मैं अगर रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें तो हम थर्ड वेव को रोक सकते हैं, और हम ठीक तरह से अगर बिहेव करें तो मुमकिन है कि थर्ड वेव आए ही ना। With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practel.